अगर चार तरावी के बाद जो वक्फा होता है उसमें इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। बड़े हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ऐसे फूंक मार देते, जल्दी जल्दी अल्लाह काम कर देते थे। किसी ने एक दफा पूछा, हजरत क्या है? फरमाया, मेरे मुर्शिद हजरत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि चार तरावी के दरमियान में इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन डूब के पढ़ा कर अल्लाह तुझे तासीर देगा। अब फरमाया, कोई दुआ के लिए कहता है ना, ऐसे हाथ करके एक दफा कहता हूँ इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, ऐसे हाथ कर देता हूँ, अल्लाह उसके काम बना देता है। और जो कोई कहता है तो हजरत दम फरमा दे, मैं इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन करके दम कर देता हूं। तरावी के दौरान, चार तरावी के बाद जो वक्फा होता है जिसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं, कोई दुआ का तायुन नहीं है, सुबहाना ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहाना ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत, ये दुआएं और बेशुमार दुआएं हैं। ये दुआ है, कोई मुस्तकिल दुआ नहीं कि ये पढ़ें। हर बुजुर्ग की अपनी एक तरतीब है और अपना तजर्बा है, और सारी दुआएं ठीक हैं। अगर इयाक नअबुदु फरमाए जो सारे कुरान में है, सूरत फातिहा में है, और जो सूरत फातिहा में है वो है, सारे कहो इयाक नअबुदु, इयाक नअबुदु, अल्लाहु अकबर।